हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर। तो आज हम आपके लिए स्पेशल एमपी पुलिस 2021 के लिए बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि 2017 के जो 20 या 25 क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको पूरे कराए जाएंगे। तो पार्ट वन में और पार्ट टू में कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 सितंबर 2017 का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आप सेट उठाकर भी देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 750 रुपये को ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का जो रेशियो है वो क्या है, 5:12, और बी अनुपात सी का रेशियो 7:13 है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। देखो सिंपली क्या होता है, अनुपात एक निश्चित संख्या नहीं होती है, वो हमेशा अनुपात में होती है। जैसे मैं बोलूँ 16:10, ठीक है, तो यदि वो संख्या 16 और 10 है तो अनुपात में क्या होगी, 8:5, तो ये निश्चित नहीं है। हो सकता है ये 24:15 हो, है ना, तो ये कोई निश्चित संख्या नहीं होती, हमेशा याद रखना है। इनमें कॉमन संख्याएं होती हैं, इसको हम HCF कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 5:12, और बी अनुपात सी की कितनी है, 7:13। अब देखिए बी के साथ ए के सापेक्ष बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, यानी कि 12 है, और सी के सापेक्ष 7 है, तो बी की वैल्यू अलग अलग तो होगी नहीं, एक ही होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। रुको, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब 7:35 इसका इसमें कर देंगे तो आएगा 14 और 13×2=26, यानी कि इनकी वैल्यू निकल कर आती है, ए की 35, बी की 14 और सी की 26। अब इनको बांटना है किस में, 750 रुपये में, ठीक है, तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 75 बनता है, 5 4 9 6 15 सिलाई एक 4 और एक 5 और 2 7, जो किसके बराबर है, 750 के बराबर है। यदि इसको हम काटेंगे तो 10 यूनिट किसके बराबर आई, 10 के बराबर आई। अब उसने पूछा है कि ए को कितने रुपए मिले, तो ए को कितने मिले, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 350 रुपये, यानी कि ए को 350 रुपये मिले, समझ में आया प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सारे एमपी पुलिस में आए हुए हैं, इससे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि एमपी पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन कितने लेवल के आते हैं, ठीक। तो देखिए सेकंड है, 60 किलोमीटर/घंटे की चाल से कोई कार चल रही है, कोई कार 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगी। तो हमें क्या, सिंपली यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा, टाइम निकालने से पहले हमको ये याद रखना है, जो यूनिट होती है हमको इनको सेम करना होगा। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है दूरी, और यहाँ पर मीटर में दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि हम आंसर निकालेंगे तो हमेशा यूनिट को सेम रखेंगे, वरना आंसर रॉन्ग आएगा यदि आप ऐसे करोगे तो। अब देखो स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर/घंटा, ठीक, और डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो 1000 से यहाँ पर भाग देंगे तो आएगा आपका 0.2 किलोमीटर, दिख रहा है, ठीक। अब हमें निकालना है समय, टाइम बराबर होता है डी अपॉन, यानी कि दूरी अपॉन क्या, स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, 0.2 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 60, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा आपका, यदि इसको काटेंगे, देखो यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो 10 बढ़ जाता है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/300 आवर, यानी कि घंटा आ जाएगा, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 मिनट, सिंपल, ठीक है।
तो ये भी सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक ख़त्म होती हैं, 999 यानी कि 999 तक होती हैं 3 अंकों की संख्या। लेकिन हमको क्या निकालना है, जो 5 से विभाजित हो, याद रखना है यदि वो 5 से विभाजित है तो सब में 5-5 का गैप होता है। एक बात बताइए, आप खुद देखिए, जब हम 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 13, सब में 5-5 का गैप होता है। इसी प्रकार हम इसमें भी 5 का गैप रखेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए 100 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 100 5 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार 105, देखो 5 का डिफरेंस रखना है, 1 1 10, और कहाँ तक जाना है, 999, लेकिन 999 5 से डिवाइड नहीं है, तो कौन है 5 से डिवाइड, 995 है। तो ये हो गई अपनी सीरीज बन गई है, आपने पढ़ी होगी समानांतर श्रेणी, यानी कि AP सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 5, इसको D बोलते हैं, और पहले पद को बोलते हैं, पहले टर्म को 100 यानी कि A बोलते हैं इसको, और यहाँ पर N हमको निकालना है, यानी कि N कितनी है, संख्याएँ कितनी हैं, जबकि N वा जो टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 995। अब फॉर्मूला होता है कि N वा टर्म यानी कि N वा पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है, दिख रहा है। तो N वा पद कितना दिया हुआ है, 995 बराबर, अच्छा A कितना है, 100 प्लस N हमको निकालना है, और डिफरेंस कितना है, 5, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 895, इसमें ऐसे ये माइनस कर देते हैं, बराबर n माइनस 1 इंटू में 5, अच्छा 5 से इसको काट देंगे हम, 5 एकम 5, यानी 5 1 = 5 बचे 3, 39, 5 7 = 35, 5 9 = ये, यानी कि 179 आ गया। अब ये n 1 इधर आ जाएगा तो कितना इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, सबसे इम्पोर्टेंट है AP सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के साथ ये तो हो गई n वा टर्म, यदि AP सीरीज का वो बोले n पदों का योगफल निकालिए, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो भी अच्छा प्रश्न है, देखिए ये आप नोट करना है, AP सीरीज के n पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है उसका, ठीक है, AP सीरीज के S पदों n पदों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, देखिए ये नहीं देखना हमको कि यहाँ पर सरल प्रश्न आते हैं, यहाँ पर 743 × 999, चलो ही। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 1000 में से 1 माइनस करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 7 40, सिंपल है ये तो, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 5 गए तो 5, और 10 में से 8 गए तो 2, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 4 3 2 2 5 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, पिता व पुत्र की वर्तमान
आयु का अनुपात 9:4 है, तो बताना कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 75 वर्ष। तो बताना है पिता की वर्तमान आयु। पहले आप खुद से कीजिए इसको, यानी कि वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हो, वर्तमान आयु। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। अब ये बात बताइए, 9:4 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 75 वर्ष है। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल बाद उनकी आयु का क्या है योग, 75 वर्ष है, ठीक है। तो 5 साल पहले कितनी होगी, यानी कि दोनों में से 5-5 कम हो जाएंगे, तो कितना योग हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना। पिता के मवेशी 5 कम कर लो और पुत्र के मवेशी 5 कम कर सकते हैं हम, तो ये उनका वर्तमान निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कर देंगे, क्योंकि ये 5 साल बाद आए, तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 65, यानी कि हमने दोनों की आयु में से 5-5 वर्ष घटा दिए हैं, तो कितना हो गया 65, किसके बराबर है, उनकी वर्तमान आयु हमने निकाल दी है 65, ठीक है। तो 9:4 के बराबर है, यानी कि योग कितना हो जाएगा, 9 यूनिट 9x + 4x, तो 13x = 65x = 5, 13×5 = 65 होता है। अब उन्होंने पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की कितनी है, 9x है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9×5, यानी कि 45, यानी कि जो पिता की वर्तमान आयु निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 45, यानी कि 45, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा, कितने का होगा। देखो हम मान लेते हैं x रुपए का 20% 400 के बराबर होगा, सिंपल है ये, तो है ना। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी पुलिस में, तो इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 20/100 = 400, काट दो इसको, 20 बार गया ये, x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को, देखो 12 आदमियों द्वारा किसी काम को, किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, कितने दिन में, 9 दिन में पूरा किया जाता है, 6 दिन काम करने के बाद, 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं।